बातचीत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो मैं किसी प्रिंसिपल से बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो किसी एक बॉर्डर है, एक तरफ हमारा दुश्मन मुल्क है, एक तरफ हम हैं, और बीच में आपको कोई लड़ाई के लिए भेज दिया गया। तो हम लोग तो खानदानी कुतवाल है ना, ये संतरी हमारा, ये फासला हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मिशन के तहत आपको यहां भेजा गया। बार बार सर आप एक बात कह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व हैं। पिछले दिनों हमारे मीडिया के एक साथी यहां आई थी, आपने उनसे ये भी कहा कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे मानो TTP जो कि तहरीक तालिबे पाकिस्तान है, आपने उसके बारे में भी जिक्र किया। कहीं ना कहीं आपने यहीं के रहने वाले कुछ छात्रों पर ये इल्ज़ाम लगाया है। आपने वजह फरमाया है, और वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो है वो लोग बरसों से अड्डा जमाए हुआ है, इसलिए मैं आपको वहाँ भेज रहा हूँ ऑपरेशन के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के कमांडो बनाकर मुझे यहाँ भेज दिया है। कोई मनी नाम का लड़का है, कोई राजपूत है, एगो लड़का सुगौना का है, दाड़ी वाला टीका लगाता है, गो पाठ को पेक हो गया है। आजकल दलितों को भी ब्राह्मणीकरण हो गया है, ब्राह्मणों का दलितीकरण हो गया है। जातिवाद से क्यों नहीं उभर रहे हम लोग? ने जात है कि जाति नहीं, जात है कि जाति नहीं, जाति पर ही सारी व्यवस्था हो रहा है, आधारित है। कोई छात्र नेता नहीं है, कौन चीज का छात्र नेता है? कौन क्लास में पढ़ते हमारे यहाँ बताइए तो, छात्र नेता है किसमें चुना है? नहीं, उनको क्यों चुनेगा? वो कहाँ, आप गलत बोल रहे हैं, आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। वो कौन सर्टिफिकेट दिया है उनको जो छात्र नेता है? अरे तो हमको भी लोग कह देगा जो हम राष्ट्रपति है, हैं? क्या बात करते हैं, हम तो व्यवस्था के तहत हम लोग संविधान का मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लोग एक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ संविधान के तहत हम आए हैं। उनको किसने बैठा दिया हमारे यहाँ? घर हमारा जो तुम्हारा हमारे यहाँ देखिए, नहीं नहीं एक मिनट, प्रशासन पर उठा लिख रहा है, ध्यान नहीं दे रहा तो क्या करेंगे? अब हमारे यहाँ बराबर CLC के लिए, मार्कशीट के लिए आवेदन दीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा तब हम पर उठिएगा कि नहीं है? दूसरी बात, जब राहुल राज यहाँ का अध्यक्ष है तो राहुल राज को ना बैठना है, वो क्यों बैठेगा? राहुल राज को मैंने चिट्ठी दिया, उसके घर पर दिया है, अब नहीं आ रहा तो उस पर बोले तुम चाबी दो, पहले के भी प्रिंसिपल दिया है, चाबी नहीं जमा कर रहा है, उस पर अब FIR करने जा रहे हैं। आपने इतनी तिकी तिकी सवाल दागे और मैंने उसका हिम्मत के साथ जवाब दिया, मैं मीठा मीठा जवाब नहीं दिया, मैं सच कहना अगर बगावत है तो मान लो मैं भी बागी हूं। अरे क्या बात करते हैं, दिल तो चाहता है तूर में आग लगा दूं लेकिन मूसा बेवतन हो जाएगा। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के RK कॉलेज में। आपको बताएं, ये मधुबनी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज है जो कि लगभग 100 साल पहले यहाँ पर स्थापित हुआ था। आज हमारे साथ सर हैं, प्रिंसिपल यहाँ जो कि अभी नए आए हैं। हम आपको बता दें कि सर का नाम डॉक्टर फूलो पासवान है, जो कि काफ़ी जाने माने चेहरा भी हैं, अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद यहाँ की। जनाब आपके मैं यहाँ खैर मकदम करता हूँ आपको यहाँ आने के लिए। जी कहा जाए जनाब। सर अभी आप यहाँ नए आए हैं 2 महीने पहले, और आने के बाद क्योंकि हर कोई भी इंसान जब कहीं नई जगह पोस्टिंग लेता है तो उसके ख्वाब होते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ ये चीजें पाऊंगा या फिर ये चीजें चेंज करना है। आपने क्या कुछ, आप क्या कुछ सोच कराए थे और क्या कुछ तब्दीली करना है? मुझे तो कहा गया था 29 तारीख के रात में माननीय महामहिम कुलपति महोदय के द्वारा टेलीफोनिक, जो RK कॉलेज का लॉ एंड ऑर्डर और क्या कहते हैं यहाँ की तालीम, यहाँ की पूरी रवायत की व्यवस्था, इकबाल समाप्त हो चुका है, जो प्रिंसिपल वहाँ है कोई उसमें इकबाल नहीं है, और वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो है वो लोग बरसों से अड्डा जमाए हुआ है, इसलिए मैं आपको वहाँ भेज रहा हूँ ऑपरेशन के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन के कमांडो बनाकर मुझे यहाँ भेजा गया है 31 को, क्योंकि वो बेचारे 12 मई की जो घटना घटी है यहाँ, जो भी वाकियात हुई है, उस वाकियात के तहत वो इतने डरे सहमे थे, जो वो यहाँ से हमको चार्ज भी नहीं दिए,
और वहीं अपना लेटर पैड लेकर गए थे, वहीं पर हैंडओवर टेकओवर सीएम कॉलेज के प्रिंसिपल चैम्बर में ही हुआ और मैं वहां से आया और यहाँ सीधे यहाँ मैं आकर कुर्सी पर बैठ गया। जब मैंने बैठा तो उस वक्त का ये एक ऐसा नजारा था जो बहुत लोग आ गए माला वाला पहनाने के लिए, कुछ लोग वैसे भी आए जिसको मैंने कहा जब मुझे उच्चैठ भगवती का छागर मत समझ के माला पहनाइए, क्योंकि माला पहनाने के बाद तो कुर्बानी ही होती है। हाँ, तो ये वाकया हुआ और ये एक वाकया हुआ जो एक सिरफिरा था सम कोई यादव जी स्कूटी पर घूम के वो अनिल मंडल को ही गाली देता था, लेकिन चेयर को गाली देता था। मैंने उसी समय बहुत ही आक्रोश में मैंने आया और मेरी गर्म मैं अपनी पूरी आक्रोश में ही आया था, सब उससे मैंने बात की, सब कुछ मिला जो सब हुआ और लगा जो यहाँ वो न वो देवी है न वो कड़ा है, पुराने जमाने में जो लोग कहा जाता था न वो मंजर है न वो साख है न वो बुलबुल है ना, ऐसा लगा जो मुझे एक सीमा पर जो एक नहीं नहीं एक सीमा पर जो अव्यवस्था रहता है लॉ एंड ऑर्डर का वैसी स्थिति मुझे मिला यहाँ पीओके जैसा। आपसे बातचीत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो मैं किसी प्रिंसिपल से बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो किसी एक बॉर्डर है, एक तरफ कोई हमारा दुश्मन मुल्क है एक तरफ हम हैं और बीच में आपको कोई ना, लड़ाई के लिए भेज दिया गया। तो हम लोग तो खानदानी कोतवाल है ना, ये संतरी हमारा, ये पासवा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम इकबाल साहब ने लिख कर चले गए हुए हैं, हमारे बच्चे जो है सभी मदरसों में सभी विद्यालयों में यही जो है गुनगाते हैं। कल जो झंडा दिवस था तो कश्मीर की वादियों में भी यही शब्द यही जो है क्या कहते हैं ये नज्म जो है गुंजता रहा पूरी वादियों में, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता हमारा, ये संतरी हमारा, ये पासवा हमारा। बेहतरीन उर्दू हमें सुना रहे हैं, बेहतरीन गजल भी सुना रहे हैं। हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप बार बार इसको लेकर के एज ए कमांडिंग ऑफिसर मानो आपको भेजा गया हो या आप एक स्ट्रगल करने के लिए यहाँ पर आए हो और किसी को दूर करना है आपको, आप एक मिशन के तहत आपको यहाँ भेजा गया। बार बार सर आप एक बात कह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, पिछले दिनों हमारे मीडिया के एक साथी यहाँ आई थी, आपने उनसे ये भी कहा कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे मानो TTP जो कि तहरीक तालिब पाकिस्तान है, आपने उसके बारे में भी जिक्र किया, कहीं ना कहीं आपने यहीं के रहने वाले कुछ छात्रों पर ये इल्जाम लगाया है। आपने वजह फरमाया है वो जो आई थी मुतरमा उन्हीं के द्वारा जो कभी यहाँ विद्यार्थी रहा भी होगा मुद्दतों पहले कभी रहा होगा, जो अभी कभी इधर उधर जो अपना करता है इधर उधर उचका पन्नी, वही बच्चे से बुला कर लाया था, वही लाइब्रेरी में घुमा करके उसको दिखाया जा रहा था। अब वही लोग कर रहा था, हम फोर्थ ईयर के हैं, हम थर्ड ईयर के हैं, वो विद्यार्थी नहीं है, वो छात्र के चोंगा में घुसा हुआ भेड़िया सब है। मुझे किसी से डर नहीं है क्योंकि मैं पासवान हूं, मेरा जन्म ही होता है जेल में, और हारूंगा तो हथकड़ी खुल जाएगा, जीतूंगा तो सारी जहां मेरा हमारा है जनाब। मैंने इसलिए कहा जिस तरह से हमारी वादियों में हमारी सीमाओं पर वो TTP के द्वारा माने अशांति फैलाई जाती है, करता है ये कर सब नेक इंसान जिसमें इस्लाम भी है और ईमान भी है और वो इस्लाम के साथ मुसलमान भी है, जिसको कहा जाता है जिसमें मुसलम ईमान हो वो मुसलमान हो और जिसमें ईमान हो वही इस्लाम हो, ठीक है। तो मैंने इसका वो मैंने उदाहरण दिया, लिटरेचर में एक होता है उपमा अलंकार, वो मैंने उपमा दिया जैसे किसी खातून की सौंदर्य की उसकी खूबसूरती के सुना कहता था उनकी आंखें झील जैसी, उसकी उसकी लिप्स जो है थोर जो है लिप्स वो जो है सुगा के थोर के जैसा लाल लाल है ना, त्रिकोर के फर के जैसा है ना, उनकी गाले जो है गुलाब की जैसी, उनकी बाले घटाओं काली घटाओं की जैसा, उसी तरह से मैंने उनको उपमा दिया जैसे ये कॉलेज 10 वर्षों से आरके मंडल के जाने के बाद मैं सुनता रहा हूं, मैं भी यहां से मैं कोई यदना या दिगर नहीं हूं, मैं भी इसी माटी पानी का मैं भी यहीं का मैं भी लाल हूं, फकत 35 किलो पर मेरा भी माने गांव है मकिया, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ जहाँ बहुत सारे शेखों की
बस्ती है, वहां भी हमारी तालीम हुई है मदरसा में, इसलिए हमारी जुबान में थोड़ी थोड़ी सनक्की और बधना और क्या कहते हैं ये सब जो है आ जाया करता है। सर आपने बहुत सारी बातें कही, तमाम बातें आप रख रहे हैं। एक बात आपने भी पूछ ही रहा हूँ सर, आप उपमा की बात कर रहे थे कि आप एक उपमा की तरह इस्तेमाल कर रहे थे इस शब्द का। सर आपको नहीं लगता कि देश में भी एक ट्रेंड है कि आजकल किसी को किसी के बारे में बताना होता है तुरंत उसको आतंकी संगठन? जहाँ पर देखिए आतंकवादी किसे कहा जाता है, जो गोलियों के डर से डराता है, बमों के डर से डराता है। यहाँ हमारा कोई भी जहर जर्रा जर्रा कांप रहा है, जो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, न चपरासी है, न विद्यार्थी है, न टीचर है। हमारे छात्र ऑफिस जो 2019-20 में बंद हो गया, वहां आकर वो बैठता है, किसके किस हैसियत से बैठता है, वहां किस हैसियत से बैठता है। हमने बार बार लिखते हैं, हम डीएम को और क्या कहते हैं एसडीओ को, जो लॉ एंड ऑर्डर का संधारण करना है, क्या उनका भी इकबाल खत्म हो गया? मैंने उसमें भी कहा है, पिछले में भी कहा है। 2017 के आसपास चुनाव हुआ, ये लोग 2019 में चुनाव हुई है, मैं उस समय डीबी कॉलेज जयनगर में था, यहाँ भी चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद वो 19 के लास्ट में खत्म हो गया। एक ही साल का होता है क्योंकि सत्र समाप्त हुआ, चुनाव का ये खत्म हो गया। जब सत्र खत्म हो गया, लड़का पास आके चला गया, अब कोई रहा नहीं, एक ही साल के लिए था, चुनाव होता है। और जब खत्म हो गया तो सभी जगह बंद है, पूरे बिहार में, पूरे मिथिला यूनिवर्सिटी में, यहाँ क्यों खोल के रखा गया है? कोई छात्र नेता नहीं है, कौन चीज का छात्र नेता है, कौन क्लास में पढ़ते हमारे यहाँ बताइए तो छात्र नेता है? लेकिन सर उनका कहना किसने चुना है? बच्चों ने तो चुना है। नहीं, उनको क्यों चुनेगा? वो कहा, आप गलत बोल रहे हैं, आप इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। तो कौन सर्टिफिकेट दिया है उनको जो छात्र नेता है? अरे तो हमको भी लोग कह देगा जो हम राष्ट्रपति है, क्या बात करते हैं। हम तो व्यवस्था के तहत हम लोग संविधान का मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लोग एक इंस्टीट्यूट ऑफ संविधान के तहत हम आए हैं। उनको किसने बैठा दिया हमारे यहाँ? घर हमारा, जो तुम्हारा, हमारे ऑफिस देखिए। नहीं नहीं, एक मिनट, प्रशासन पर उठा लिख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहा तो क्या करेंगे? अब हमारे यहाँ बराबर सीएलसी के लिए, मार्कशीट के लिए आवेदन दीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा तब हम पर उठाइएगा कि नहीं है? दूसरी बात, जब राहुल राज यहाँ का अध्यक्ष है तो राहुल राज को बैठना है, वो क्यों बैठेगा? राहुल राज को मैंने चिट्ठी दिया, उसके घर पर दिया है, अब नहीं आ रहा तो उस पर बोले तुम चाबी दो, पहले के भी प्रिंसिपल दिया है, चाबी नहीं जमा कर रहा है, उस पर अब एफआईआर करने जा रहे हैं। हमारा अनाधिकृत रूप से हमारे मकान को कब्जा करके रखे हुआ है, और वहीं से सारी क्रिया होती है निगेटिविटी। कुछ नहीं जवाब दिया है, अब उस पर हम एफआईआर करेंगे। अध्यक्ष आप नहीं है, अध्यक्ष खत्म हो गया, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन बोला मैंने अध्यक्ष आप नहीं है, मैंने उसी दिन कहा जिस दिन मैं ज्वाइन किया, सभी जर्रा जर्रा दबा है, अब अध्यक्ष नहीं है, सब जगह बंद हो चुका है, अब हमारे स्टूडेंट है मात्र। सर आप क्योंकि आप एक अच्छे उम्रदराज भी हैं, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, आप छात्र संघ को सर किस तरह से देखते हैं? क्या आप छात्रों का संघ का काम है महाविद्यालयों में छात्रों का पठन पाठन हो, छात्रों में प्रजातांत्रिक गुण का विकास हो, है ना, ताकि आने वाले पीढ़ी तैयार हो, वैसे छात्र चाहिए। छात्र के रूप में अव्यवस्था फैलाएगा, एडमिशन कराएगा दर्जनों 20-50 पैसे लेकर के अपना रोजगार चलाएगा, वो छात्र नहीं होता है, वो व्यवसायी हुआ, एजेंट हुआ। वैसे सब घूम रहा है, एडमिशन एडमिशन एडमिशन, दुकान खोल के बैठा रहता है सब। सर एक आरोप है कि ये के 2019 के बाद आपका कहना है कि छात्र संघ यहाँ खत्म हो गया, यहाँ सभी जगह, लेकिन सर 2022 है ये और अभी तक माना जा रहा है कि जो एडमिशन हो रहा है यहाँ बच्चों का उसमें छात्र संघ का चार्ज लिया जाता है 100 रुपया, छात्र संघ का चार्ज लिया जाता है 100 रुपया, हाँ तो वो पैसा उसी अकाउंट में रहता है। और जब छात्र संघ का जब चुनाव होगा तो अलग से राशि नहीं देती है यूनिवर्सिटी, वो व्यवस्था राज्यपाल की तरफ से ही है, सरकार की तरफ से ही है, है ना। और वो आपको जो मोटिवेट करके भेजा गया होगा, क्योंकि छात्र के हित में छात्र के लिए है, तो छात्र जो पढ़ने आएंगे उनको ना, जो छात्र है ही नहीं, बात नहीं, हमारे घर के ही बच्चे यहाँ आपके यहाँ पढ़ाई करते हैं, हमें पढ़ाई करना, हमारे बच्चे जब आएंगे तो उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है, उन्नत लाइब्रेरी देना, स्मार्ट लाइब्रेरी देना, स्मार्ट उनको क्या कहते हैं लेबोरेटरी देना, लैब देना, कंप्यूटर देना, मैगजीन देना, पेपर देना, खेल का सामान देना,
नृत्य गान का सम्मान देना, उन पर अनुशासन देना, वो मेरा कर्तव्य है, सबको करना है। शिक्षकों का कर्तव्य अध्यापन, शोध, वीक्षण या मूल्यांकन, वो ईमानदारी से करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनका वेतन रुकेगा, उन पर कड़ाई होगा। विद्यार्थी तो यावे, इस परंपरा, सुदृढ़ परंपरा है इसकी जो है, ये रामकृष्ण महाविद्यालय इस इलाके के हर गरीब गुरुवा के गाना जेवर जो उनके यहाँ बनती रहता था उसको बेचकर इसको बनाया गया। दरभंगा मांग रहा था तो जाए दरभंगा, दरभंगा नहीं ले गया, और वो लोग आगे वाजिब जो हक है उसको पहले मिले, जो सबसे पिछड़ा है, जिसको कोई हक नहीं मिला है उनको पहले मिले। जब ऐसे करेगा तो जो वाजिब लड़का है उसको काम लगेगा। हम इस बार तो लाइन लगा करके हम पीजी में कर दिए एडमिशन, जो गरीब आदमी उसको खुद पढ़ी करने वाला नहीं, पैसा देने वाला नहीं, उसको कर दिए हैं। अभी भी हमारे यहाँ का रियल अच्छा, बच्चे जब वर्ग में आएंगे तो सारी चीज होगा, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। रिजल्ट को लेकर के बातें चल रही हैं, फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट था ग्रेजुएशन का, अभी तक रिजल्ट आर्ट्स, वो ये मेरा मसला नहीं है। मेरा काम है बच्चे को पढ़ाना और फॉर्म भरवाकर सेंटर कर देना, ये विश्वविद्यालय का मसला है, वहां से। हाँ, अभी तो आ गया, कॉमर्स का रिजल्ट आ गया है, साइंस का और आर्ट्स का जो है चल रहा है, सब काम हो रहा है। सेशन पूरे बिहार में मिथिला ही मिथिला विश्वविद्यालय है, सबसे आगे है। सर, चूंकि ये कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन सर अक्सर ये देखा जा रहा है कि कभी इसी शहर में कोचिंग कम हुआ करता था, आजकल तादाद बढ़ गए क्योंकि बच्चों ने कॉलेज को छोड़ दिया है। क्या वजह लगती है सर आपको कॉलेज छोड़ करके बच्चे? इसलिए पहले सरकार कम पैसा देती थी तो सभी लोग ठेहुनिया मार के, पसीना पोंछ के, पंखा भी नहीं रहता था तो यहाँ पढ़ाया जाता था। यही माने स्वर्गीय जयधारी बाबू थे यहाँ, तो मेरे गुरुदेव सब कहते हैं जो पढ़ाते थे मैथिली, तो कहते थे रहू सरकार दे छो 200 के स्केल, तो 200 से पढ़वे छियो, जहिया 600 के स्केल दे तो 600 के स्केल से पढ़ब, तो आप तो 600 के क्या 3200 का स्केल दे रहा है, मतलब 6-7 डिजिट 8 डिजिट में सैलरी मिलता है। लेकिन कोचिंग जो है हमारे यहाँ 5 साल 5 बेर 6 बेर जो फेल करता है वही छठवा बेरोजगार सब जाकर कोचिंग खोलता है, और बाजार में होटल बनता है, घर में अगर आपको खाना नहीं मिलेगा घूमिएगा बाहर तो बाजार में, क्योंकि उसके दोस्ती हम पूरे समाज हैं, अभिभावक है। हमारे यहाँ एमए पीएचडी करके टीचर लोग यहाँ पूरे फुल स्ट्रेंथ में आ गए हैं, अभी 44 टीचर हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं गेस्ट फैकल्टी में अलग से, पहले जो हर विभाग जो है फुल हो गया टीचर से, लेकिन विद्यार्थी आप पूरा तब ना। लेकिन एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ाना हमारे समाज का एक नया फैशन हो गया है, क्योंकि सोचता है जो हम प्राइवेट में दिखाएंगे डॉक्टर से तो बढ़िया से दिखाएगा, हम प्राइवेट में कुछ कर लेंगे तो अच्छा से हो जाएगा, हम ट्यूशन पढ़ावा लेंगे, कोचिंग पढ़वा लेंगे, हमारा बच्चा बहुत हो जाएगा। बात उनकी जो है समाज, हम नहीं भेजेंगे कोचिंग में, हमारा बच्चा इसको कॉलेज में आएगा उसी टाइम पर। ये डीएम को वही हर जगह होता है, जो डीएम साहब का होता है, जो ऑफ कॉलेज आवर में स्कूल आवर में कोचिंग बंद रहेगा, लेकिन यहाँ तो समानांतर चलता है तो बच्चे यहाँ आए तो वहां जाएंगे। और अगर हम नहीं भेजेंगे बच्चे को, जो गरीब आदमी है उसका बच्चा कहाँ पर, हम लोग तो कहीं नहीं कभी जिंदगी में कोचिंग पढ़े ना ट्यूशन पढ़े, कहाँ तक आए हुए हैं। वहीं पर हम लोग सब याद कर लेते थे, फ्रेश से लेकर के फिजिक्स और केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी फिजिक्स ज्योग्राफी का जो सिर्फ होता था सब, घास काटते काटते धान काटते काटते हम लोग याद कर लेते थे, जमींदार के बेटा से पूछते रहते थे साथे पढ़ता था तो। लेकिन वो प्रतिभा होनी चाहिए ना बच्चे में। अब की अभी के बच्चे जो है उच्चारण और आचरण में अति आधुनिक हो गए हैं। बड़ी बातें आप कह रहे हैं, समाज को लेकर के भी आपने तमाम मुझे लगता है जो पहलू है उस पर आपने तमाम बातें रखी है। जो बच्चे नहीं आते हैं सर कॉलेज पढ़ने के लिए, क्या उन बच्चों पे कार्रवाई नहीं होती है? एक मिनट, उन बच्चों को प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। अब हमारा एडमिशन हो रहा है, मैं तो अभी आया हूँ, अब एडमिशन जो इंटरमीडिएट और बीए में हो रहा है, पीजी का एडमिशन हुआ है, मैंने पीजी में जाकर के मोटिवेशन कर दिया, फिजिक्स के लड़के को मैंने किया, अब केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी को करना है, कल भी कार्यक्रम है परसों भी कार्यक्रम है, बड़ा कॉलेज है, बड़ी संख्या है, 25 से 26 हजार विद्यार्थी मेरे यहाँ है। मैं सभी बच्चों को अब ऑनलाइन मैसेज भेजूंगा, जैसे कोटा से आप बच्चे को भेजते हैं या पुणे में अपने बच्चे को भेजते हैं कोचिंग मेडिकल इंजीनियर कराने के लिए, नहीं आता आपको मैसेज आ जाता है घर खेत खलिहान में,
योर बॉडी इज नॉट एज अपीयर ऑफ योर क्लास, उसी तरह से मैं करने जा रहा हूँ। सभी अभिभावकों को चिट्ठी भेज रहा हूँ, अगर आपके बच्चे नहीं आएंगे क्लास में, टर्न अप नहीं करेंगे, तो मैं नाम काट के हटा दूंगा। अगर 75% नहीं पूरा होगा तो मैं उत्प्रेषक नहीं होने दूंगा, सेंट अप नहीं होने दूंगा। ये मेरा निकल चुका है, और मैं यह नहीं, ये मेरा बराहमा कॉलेज है, मैं पूरे बिहार से होकर आया हूँ। औरंगाबाद में जहां बारूदों के गंध और गोलियों की तड़तड़ाहट, वहां से मैं आया हूँ। वहां मैंने 30 लाख रुपया रिकवरी करवाया था कॉलेज में, तो बिगड़ा हुआ कॉलेज था। जब यादव कॉलेज चला लिए तो ये कॉलेज चलाने में क्या है, ज्यादा होगा परमेश्वर यादव के ज्यादा, मेरा भी एक स्टैचू लग जाएगा और क्या होगा, माला पहनाइएगा। सर हम यही चाहेंगे कभी ऐसा वक्त ना आए कि इस तरह के हालात हो। बहुत सारी मुझे लगता है कि आपने बहुत सारा चीज सही किया है, यहाँ CCTV मेरे सामने नजर आ रहा है, अभी और लग रहा है काफी पुराना, अभी और लग रहा है, अभी तो मैं कर रहा हूं। जो भी अवांछित व्यक्ति है कैंपस से बाहर चले जाए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से आपने सारा सिस्टम संभाल लिया है, कंट्रोल जी। वो लोग भी आया था 22 जून को हमारे साथ, बोला मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं, अभी परसों मिलेंगे, 10 लोगों को भेज दिया। वही लड़का जो कल जो है ललका टी शर्ट में देख रहे होंगे, वो लाइब्रेरी में घुमा रहा था। कोई मनी मनी नाम का लड़का है, कोई राजपूत है, वो लड़का सुगौना का है, दाढ़ी वाला टीका लगाता है, गोपा ठोप एक हो गया है। आजकल दलितों को भी ब्राह्मणीकरण हो गया है, ब्राह्मणों का दलितीकरण हो गया है। जातिवाद से क्यों नहीं उभर रहे हम लोग, ने जात है कि जाति नहीं, जात है कि जाति नहीं, जात की बड़ी सारी व्यवस्था हो रहा है, आधारित है संविधान में उसकी व्यवस्था है, और समाज में भी व्यवस्था है, और होने भी वही जा रहा है, समझ गए। अब गरीब गुरुआ का बच्चा पढ़ने आता है तो नया कंपरेटिव उधर कोचिंग खुल रहा है, प्राइवेट स्कूल खुल रहा है। अब पहले जमींदार का बेटा या मजदूर का बेटा एक पटरी पर पढ़ के बैठता था, पढ़ता था। हम लोग पटना कॉलेज में कमिश्नर और मिनिस्टर के बेटा बेटी हम लोग ऐसे ही साथ ही पढ़ते थे। कई बार मेरे दोस्त में अभी जज है, कितने IAS IPS हो गए। ठीक है सर, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ सर जुड़े हुए थे और तमाम बातें इन्होंने रखी है, चाहे वो छात्र संघ से लेकर के हो या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से हो, तमाम जो इनका पहलू था इन्होंने अपनी तरफ से रखा है। जहां तक बात रही छात्र संगठन के ऊपर किए गए टिप्पणी को लेकर के, सर ने ये बताया है कि वो एज ए उपमा इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं छात्र संघ के जो बच्चे हैं, जो छात्र संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान कर रहे हैं, ऐसा सर का कहना है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना धन्यवाद आपको भी, आपने इतनी तीखी तीखी सवाल दागे और मैंने उसका हिम्मत के साथ जवाब दिया। मैं मीठा मीठा जवाब नहीं दिया, मैं सच कहना अगर बरगावत है तो मान लो मैं भी बागी हूँ। अरे क्या बात करते हैं, दिल तो चाहता है तूर में आग लगा दूं, लेकिन मूसा बेवतन हो जाएगा। तो ये सर हैं, आपने खुद सर का लहजा देख लिया है, शायद इससे ज्यादा शायराना टीचर आपको कभी मिले ना मिले या ना मिले। तो जो भी बच्चे यहाँ के वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि अब आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही होने जा रहा है, कृपया यहाँ आइए और आकर के पढ़ाई करिए। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।